सब्सक्राइब करिए फिटनेस एथलीट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट फिटनेस वीडियोस देखने के लिए। स्वागत है आपका दोस्तों फिटनेस एथलीट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अंशुमन शर्मा है और इस वीडियो में मैं आपसे 15 मिनट्स का फुल बॉडी HIIT फैट लॉस वर्कआउट शेयर करने जा रहा हूँ बिना किसी इक्विपमेंट के। तो अगर इस वर्कआउट को आप देखना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे 5 मिनट्स के और 10 मिनट्स के फुल बॉडी HIIT फैट लॉस वर्कआउट मैंने आपसे शेयर किए थे, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइम में डिफरेंट एक्सरसाइजेस दिखाई थी। जो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और उसके बाद ही इस वर्कआउट को आप ट्राई करिएगा। इस वर्कआउट में मैं आपसे अपर बॉडी, लोअर बॉडी और एब्स, ये तीनों सेगमेंट में कवर करने वाला हूँ। अपर बॉडी की 3 एक्सरसाइजेस करूंगा, लोअर बॉडी की 3 और कोर यानी कि एब्स की भी 3 करूंगा। तो किस तरीके से करना है उसको आप देखिए। तो पहली अपर बॉडी एक्सरसाइज जो आप करोगे इस 15 मिनट्स के फुल बॉडी वर्कआउट में, उसका नाम है इन एंड आउट पावर पुशअप। तो इन एंड आउट पावर पुशअप कैसे किया जाता है ये देखिए। ऐसे करना है आपको इन एंड आउट पावर पुशअप। ये एक पावरफुल एक्सरसाइज है तो आप ध्यान रखिए कि हाथ को अंदर लाना है और उसी टाइम में आपको एक पावर से या झटके से हाथ को बाहर लाना है फिर अंदर लाना है। तो अगर आप इस वर्कआउट में कंफर्टेबल नहीं है, इस एक्सरसाइज में कंफर्टेबल नहीं है, तो उसका बिगनर वर्जन भी आप देख सकते हैं। बिगनर वर्जन में आपको क्या करना है, आपको नीज पे करना है, आपको पूरी बॉडी का वेट हैंडल नहीं करना। आप नीज पे पावर पुशअप करने की ट्राई करिए, जब नीज पे आप कंफर्टेबल हो जाओ उसके बाद ही आप पुशअप पोजीशन पे अपने लेग्स पे आइएगा। दूसरी अपर बॉडी एक्सरसाइज जो आप करोगे उसका नाम है अप एंड डाउन पावर पुशअप। तो अप एंड डाउन पावर पुशअप कैसे किया जाता है ये देखिए। ऐसे करना है आपको अप एंड डाउन पावर पुशअप। ऊपर नीचे आपको हाथ का कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है। ध्यान रखिएगा अपने सिर, अपने मुंह, अपने ठुड्डी पर ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपका जो चिन है आपकी ठुड्डी जमीन पर लग जाए, तो इसका ध्यान दीजिएगा। जिनको ये एक्सरसाइज टफ लग रही है वो उसका बिगिनर लेवल भी देख सकते हैं। ऐसे करना है आपको बिगनर लेवल। सिर्फ आपको अपने नीज पे आ जाना है और मूवमेंट पूरा वही रहेगा, बस आपके ऊपर जो बॉडी वेट होगा उतना ज्यादा नहीं आएगा एज कम्पेयर टू जब आप पुशअप पोजीशन पे होंगे। तीसरी अपर बॉडी वर्कआउट जो आप करोगे उसका नाम है क्रॉस पावर पुशअप। तो क्रॉस पावर पुशअप कैसे किया जाता है ये देखिए। ऐसे करना है क्रॉस पावर पुशअप आपको। ये थोड़ा और भी ज्यादा टफ है क्योंकि पूरी बॉडी का वेट आपको पहले लेफ्ट साइड लेके जाना है फिर राइट साइड लेके जाना है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट मूवमेंट है। इसमें आपके अंदर पावर होना बहुत जरूरी है, एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज है, इसका ध्यान रखिएगा। जिनको ये वर्कआउट टफ लग रहा है उसका बिगनर लेवल देख सकते हैं। ऐसे करना है बिगनर लेवल आपको। आपको अपने नीज पर रहना है और फिर आपको राइट जाना है फिर लेफ्ट जाना है। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर जितना बॉडी वेट आ रहा होगा पहले उससे कम आएगा और प्रेशर थोड़ा कम पड़ेगा आपके। तो ये 3 अपर बॉडी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई जो आपको करनी है वर्कआउट में। 3 लोअर बॉडी एक्सरसाइज आप इस पे करोगे। तो पहली लोअर बॉडी एक्सरसाइज जो आप इसमें करोगे उसका नाम है क्लैपिंग स्क्वाट्स। तो क्लैपिंग स्क्वाट्स कैसे किया जाता है ये देखिए। ऐसे करना है आपको क्लैपिंग स्क्वाट्स। पहले आपको स्क्वाट पोजीशन में नीचे आना है, फिर आपको झटके से एक तरह से ऊपर आना है जंप करते हुए, और जब आप जंप करोगे तो आपके पैर दोनों मिलने चाहिए। जिनको ये मूवमेंट को करने में प्रॉब्लम हो रही है वो उसका बिगनर वर्जन देख सकते हैं। बिगनर वर्जन में आपको सिर्फ स्क्वाट्स करना है, आपको क्लैपिंग स्क्वाट्स नहीं करना, आपको उछलना नहीं है, जंप नहीं करना है, सिंपल आपको स्क्वाट्स करना है। सेकेंड लोअर बॉडी एक्सरसाइज जो आप करोगे उसका नाम है एयर स्प्लिट लंजेस। तो एयर स्प्लिट लंजेस कैसे किया जाता है ये देखिए। ऐसे करोगे आप एयर स्प्लिट लंजेस। इसमें आपने हवा में यानी कि एयर में आपके दोनों पैर आपस में स्प्लिट करेंगे, आपस में क्रॉस करेंगे। तो ये बहुत ही एक्सप्लोसिव मूवमेंट है, आसान नहीं है। तो अगर आप इसको करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसका बिगनर लेवल आप देख सकते हैं। बिगनर लेवल पे आपको सिंपल लंजेस करना है, जंपिंग लंजेस, जो मैंने आपको पिछले कुछ वर्कआउट्स में अपने फैट लॉस के बताया था। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको फायदा ही होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको कर सकते हो। थर्ड लोअर बॉडी एक्सरसाइज जो आप करोगे उसका नाम है नी हॉप टक जंप। नी हॉप टक जंप कैसे किया जाता है
ये देखिए, ऐसे करना है नी हॉप तक जंप आपको। पहले आपको अपनी नीज पे आना है, फिर आपको एक्सप्लोसिव तरीके से जंप करना है बिना अपने हाथ के सपोर्ट के, फिर आपको जंप करना है, फिर आपको नीचे आना है। यानी कि दो बार आप जंप करोगे, पहले आप नीज से ऊपर आओगे, फिर आप जंप करोगे टक जंप, फिर आप नीचे जाओगे। तो अगर आपको नी हॉप टक जंप करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका बिगनर लेवल आप देख सकते हैं। बिगनर लेवल पे आपको फर्स्ट लेवल पे जंप नहीं करना, आपको सेकंड लेवल पे जंप करना है। यानी कि आप अपने पैरों की मदद से एक्सप्लोसिव तरीके से नहीं, आराम से ऊपर आओगे, फिर जंप करोगे, फिर नीचे जाओगे। मतलब आपको नीचे नीज से पैर पे आने के लिए जंप करने की जरूरत नहीं है। सो ये तीन लोअर बॉडी एक्सरसाइज आप इस वर्कआउट में करोगे। तीन कोर एक्सरसाइजेज यानी कि एब्स की एक्सरसाइज जो आप इसमें इंक्लूड करोगे, उसमें पहली एक्सरसाइज जो है उसका नाम है बाइसिकल क्रंचेस। तो बाइसिकल क्रंचेस कैसे करना है आपको, ये देखिए, ये ऐसे करना है बाइसिकल क्रंचेस। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी एल्बो आपके घुटने से मिलना इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आपकी जो नीज होंगी, जो आपकी घुटने हैं, वो आपके कहीं ना कहीं एल्बो से मिलेंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो कोशिश करिए मिलाने की, ठीक है। और आपको फास्ट फास्ट करना है, जल्दी जल्दी परफॉर्म करना है। जिनको ये मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है वो उसका बिगनर लेवल देख सकते हैं। बिगनर लेवल में सीधे आपको दोनों पैरों को लेके आना है साथ में, आपको एक एक पैर को नहीं लाना है, आपको दोनों पैरों को साथ में लेके आना है। ये मूवमेंट थोड़ा आसान है, इसमें उतना ज्यादा आपके कोर पे या एब्स पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। दूसरी एब्स की जो एक्सरसाइज आप करोगे इस वर्कआउट में, उसका नाम है साइड जंपिंग प्लैंक। तो साइड जंपिंग प्लैंक कैसे करना है आपको, ये देखिए, ऐसे करना है साइड जंपिंग प्लैंक आपको। आपको एक्सप्लोसिव तरीके से अपने पैरों की मदद से पहले लेफ्ट लेके जाना है पैर, फिर राइट लेके जाना है। पुशअप में आप हाथों को लेके जा रहे थे राइट लेफ्ट, इसमें आपको पैरों को लेके जाना है। तो इससे आपके एब्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो ये थोड़ा टफ मूवमेंट है। जिनको ये मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है वो इसका बिगनर लेवल देख सकते हैं। बिगनर लेवल में सीधे आपको अपनी जगह पे ही जंप करना है, यानी कि प्लैंक पोजीशन पे ही आपको हल्का हल्का जंप करने की कोशिश करनी है। उसमें भी आपके प्रेशर पड़ेगा, उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा मगर हल्का फुल्का प्रेशर पड़ेगा अगर आपके नीज या पैर में प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी एब्स की एक्सरसाइज जो इसमें इंक्लूड करोगे, उसका नाम है माउंटेन क्लाइंबर्स। तो माउंटेन क्लाइंबर्स कैसे किया जाता है, ये देखिए, माउंटेन क्लाइंबर्स में आपको बहुत ही फास्ट फास्ट अपने पैरों को अपने एब्स से छुआना है और बहुत ही फास्ट करने की कोशिश करनी है। इस जब आप फास्ट करोगे तभी आपके एब्स में बर्निंग होगी और आपको ज्यादा फैट लॉस होने के चांसेस बढ़ेंगे। जिनको माउंटेन क्लाइंबर करने में प्रॉब्लम हो रही है वो उसका स्लोअर वर्जन यानी कि ईजी वर्जन देख सकते हैं। ईजी वर्जन में आपको स्लो करना है, आपको फास्ट फास्ट नहीं करना है, मूवमेंट वही रहेगा प्लस टाइम जो होगा वो हर एक जो मूवमेंट में बढ़ जाएगा। जहाँ पे आप एक सेकंड में दो या तीन रेपिटेशन कर रहे थे, वहाँ पे आप एक ही रेपिटेशन करोगे या दो रेपिटेशन करोगे, धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ा सकते हो। तो टोटल आप 9 सेट परफॉर्म करोगे, जिसमें हर तीन सेट के बाद आप 45 सेकंड का रेस्ट लोगे। तीन सेट होंगे अपर बॉडी के, तीन सेट होंगे लोअर बॉडी के और तीन सेट होंगे आपके एब्स के। तो उसको कैसे परफॉर्म करना है उसका डेमो आप देख सकते हैं।
तो ये था आपका 15 मिनट्स का फुल बॉडी HIIT फैट लॉस वर्कआउट बिना किसी इक्विपमेंट के, जो आप अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। अपर बॉडी, लोअर बॉडी, एब्स, ये तीनों के एक्सरसाइजेस मैंने इस पे इंक्लूड करिए। अगर आपने मेरे 10 मिनट्स के और 5 मिनट्स के वर्कआउट देखे होंगे तो थोड़े इजी थे, उसमें थोड़ा टाइम भी कम था और रेस्ट ज़्यादा था, मगर इसमें मैंने थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है, क्योंकि ये जो वर्कआउट है ये बेसिकली इंटरमीडिएट या एडवांस एथलीट्स के लिए है। ये बिगिनर ना ट्राई करें, मगर अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए 10 मिनट्स या 5 मिनट्स का वर्कआउट जो मैंने बताया था पिछले वीडियोस में फैट लॉस का, वो आसान लग रहा है, तो उसको वो ट्राई कर सकते हैं। मगर वही बात है कि आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने आप को इंजर्ड मत कर लीजिएगा, क्योंकि जो अपर बॉडी की एक्सरसाइजेज हैं वो लोअर बॉडी की थोड़ी टफ हैं। एब्स की तब भी ईजी एक्सरसाइज हैं, पर अपर बॉडी लोअर बॉडी थोड़ी टफ हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप पहले बिगिनर लेवल जो मैंने आपको बताया वो करिएगा, और फिर एक दो हफ्ते पर जब आपको लगने लगे कि आप एक्चुअल में वो एडवांस लेवल कर सकते हो जो मैंने दिखाया है, तभी आप उसको ट्राई करिएगा। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो कृपया करके कमेंट में मुझसे शेयर करिए, या कोई अदर टॉपिक पे या किसी वर्कआउट या फिटनेस के टॉपिक पे आप मुझसे कोई वीडियो चाह रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उस टॉपिक पे वीडियो बना के। इस वीडियो को शेयर करिए अपने सारे उन दोस्तों में जिनको घर में फैट लॉस वर्कआउट जो देख रहे हैं या करना चाह रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको इस वर्कआउट अच्छा लगा हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर हिट करिए, ताकि मेरा कोई भी फैट लॉस का वर्कआउट या कोई भी फिटनेस रिलेटेड टॉपिक का प्रोडक्ट रिव्यू या कोई हेल्थ रिलेटेड टॉपिक आपसे बिल्कुल भी ना छूटे। तो आज के लिए इतना ही, स्टे हेल्दी, बी फिट।